नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। इंडियाना में ट्रंप की बड़ी जीत, क्रूज दौड़ से बाहर। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित होने के लिए जारी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को इंडियाना में बड़ी जीत मिलने के बाद उनके मुख्य प्रतिद्वंदी टेड क्रूज इस दौड़ से हट गए हैं तथा उन्होंने अपना प्रचार अभियान समाप्त कर दिया है। रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के चेयरमैन रेंस प्रिबस ने ट्वीट कर ट्रंप को पार्टी की ओर से संभावित उम्मीदवार बताते हुए कहा कि हिलेरी क्लिंटन को हराने के लिए हम लोगों को एकजुट होने और ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। न्यूयॉर्क के उद्योगपति डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनना अब लगभग तय है। ट्रंप को 50% से अधिक वोट मिले हैं, वहीं ओहियो के गवर्नर जॉन कसिच तीसरे स्थान पर रहे। नहीं मिले स्मृति ईरानी की बीए डिग्री के दस्तावेज। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अदालत को बताया कि 1996 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के बीए कोर्स से संबंधित दस्तावेज अब तक नहीं मिले हैं। अदालत ने विश्वविद्यालय के पत्राचार विभाग से ये दस्तावेज तलब किए थे क्योंकि ऐसा आरोप था कि ईरानी ने अप्रैल 2004 के चुनाव में अपने हलफनामे में दावा किया था कि उन्होंने 1996 में बीए किया था। विश्वविद्यालय के पत्राचार विद्यालय के सहायक पंजीकार ओपी तंवर ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह से कहा कि उनके बीए से संबंधित 1996 के दस्तावेज अभी मिलने बाकी है। वैसे तंवर ने 1993-94 के बीच बीकॉम ऑनर्स के प्रवेश पत्र, इस कोर्स के परिणाम और 2013-14 में बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष में उनके अनुक्रमांक सह पत्र समेत उनकी शिक्षा से जुड़े कुछ दस्तावेज पेश किए हैं। पठानकोट मामले में संसदीय समिति ने केंद्र सरकार को लताड़ा। संसद की एक समिति ने कहा है कि पंजाब में पठानकोट वायुसेना अड्डे की सुरक्षा मजबूत नहीं थी। समिति ने गत 2 जनवरी को वहां हुए आतंकी हमले से पहले सुरक्षा खामियों पर उंगली उठाई है। गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि वायुसेना अड्डे का सुरक्षा कवच मजबूत नहीं था और उनकी चार दीवारी पर नजर रखने की व्यवस्था भी कमजोर थी। गश्त लगाने के लिए वायुसेना अड्डे के चारों ओर सड़कें भी नहीं थी। उल्लेखनीय है कि संसदीय समिति की रिपोर्ट मंगलवार को संसद के पटल पर रखी गई है। संसदीय समिति ने वायुसेना अड्डे का दौरा किया था। समिति ने सवाल किया है कि आखिर पाकिस्तान से आए आतंकवादी वायुसेना अड्डे में घुसने को कैसे कामयाब हो गए। समिति ने कहा कि जब हमें पता है कि इतना बड़ा हमला पाकिस्तान की मदद के बिना नहीं हो सकता, तो यह भी जानकारी मिल गई थी कि इसके पीछे सीमा पार आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद है, तो पाकिस्तान से क्यों मदद मांगी गई।